क्या करें बताओ। यहाँ पे ना खाने पीने की व्यवस्था है, सब दिहाड़ी करते हैं। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालात को देखते हुए देश में लॉकडाउन है, रेल बस और विमान सेवा सब बंद है। इन सब के बीच रोजी रोटी के लिए अपने अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले हजारों मजदूर जैसे तैसे अपने घर की ओर वापस लौट रहे हैं। कोई साइकिल से जा रहा है तो कोई पैदल ही चल पड़ा है। बोला फिर क्या, वहाँ भूखकर मर जाए क्या करें बताओ। ये तो हमारा कोई इंतजाम नहीं करा है, हम लोग क्या करें बताओ। खाने के लिए तो इंतजाम सरकार कर रही है ना, तो उनको कर रही सड़कों पर चली जा रही, कोई अंदर थू कर रही है, अंदर जा रहे हम लोगों को कौन जानता है। फिर क्या करें, ऐसे मर जाएंगे तो ऐसे मर जाएं। सर यहाँ पे ना खाने पीने की व्यवस्था है, सब दिहाड़ी करते हैं। तो ये कहा है, आप जहाँ पर हैं आपको सुविधा मुहैया। सर हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कोई सारा लोग करीब 50-60 जने घंटा जा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि दिक्कतें हो सकती हैं। नहीं सर, हम एक एक मीटर की दूरी बना के जाते हैं। कहाँ है सब, तो देखिए कितना दूर दूर जा रहे हैं। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे सर, यहाँ 400 किलोमीटर आगे है सर। घर ये सर रजौरी गार्डन से आ रहे हैं, रघुवीर नगर से। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को हो रही है। लॉकडाउन के बीच अपने अपने गांव भागते मजदूरों में हो सकता है कि कुछ बदहवास होकर निकल पड़े हों, लेकिन ज्यादातर की मजबूरी ऐसी है कि बाहर भले वायरस का खतरा हो लेकिन रुकने का कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि तालाबंदी में उनकी फैक्ट्रियों ने उन्हें नमस्ते कह दिया है। लॉकडाउन के बीच लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल मार्च करने को मजबूर है। किसी के पास कुछ खाने को नहीं है तो किसी की जेब में पैसे नहीं है। मजदूर के पैदल पलायन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार नजर है। हम इसके लिए भी अपनी जिम्मेदारी को ले रहे हैं कि इसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो आज मैंने 3 मुख्यमंत्रियों से स्वयं बात किया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, हरियाणा के भी मुख्यमंत्री जी से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मैंने स्वयं भी बातचीत किया। वे सब लोग सहमत है इस बात को लेकर के, उत्तराखंड और हरियाणा ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे से कल परसों कुछ गलती हुई थी कि हमने रोडवेज की बसेस से कुछ छुड़वाया था वहां पे बॉर्डर पर, लेकिन हम लोग इसको आगे ध्यान रखेंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी इस बात को रखा है और साथ साथ गृह मंत्री भारत सरकार के संज्ञान में भी मैंने इस बात को रखा कि भाई इस तरीके से अगर लोग चलेंगे तो समस्याएं पैदा होंगी और बीमारियां इनके साथ जा सकती है, इसलिए इसको वहां पे रोकना, वहां पे उनकी व्यवस्था देना एक इसके लिए आपकी जिम्मेदारी होगी कि उस संबंधित राज्य में आपके नंबर पर जो भी फोन आए उसको प्रॉपर रिसीव करवाना और फिर उसको फॉलोअप करते हुए आगे बढ़ाना, उसको वहाँ सहायता दिखाई भी देनी चाहिए। सड़कों पर सैकड़ों मजदूर अपने अपने घर जाने के लिए निकले हैं और सड़क पर बैठे हैं। देश में चीन से आई महामारी फैली है, घर में बैठना ही बचने का रास्ता है, लेकिन इन मजदूरों के पास वहाँ कोई छत नहीं है जहाँ ये कल तक कमाते खाते थे।